गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 7, एक्सरसाइज 7.7 जो कंटिन्यू थी हमारी लास्ट लेक्चर में। बेटा सम सभी सेम थे, मैंने आपको पहले भी बताया था काफ़ी सारे सम है, ओके सेम ही पैटर्न है, ओके नंबर 11 तक ऑलमोस्ट। नंबर 6 देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। एग्जाम्पल नंबर 6, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x, वही एक्स स्क्वायर प्लस 4x तो बहुत बार आया, माइनस फाइव इन टू डी एक्स, फुल टर्म बनाना है, ओके क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, लास्ट टर्म क्या हो सकता है 4, तो पूरा बिल्कुल सेटअप है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ऐड किया -4, और ऑलरेडी -5 तो था। आगे की बात करो, इंटीग्रेशन अंडर रूट में ये मिलके क्या हो गया, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर -5 और 4 9 9, तो दैट मीन्स 3 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। बात हुई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के जैसी, वेरिएबल बाई 2 जो है वही का वही, बीच में माइनस है तो हमें भी माइनस, कॉन्स्टेंट बाई 2, लॉग मॉड एक्स प्लस वही का वही, पीछे वाली ही बात वीडियो में जो देखा था। यहाँ से बेटा आपको होमवर्क में करना है, नंबर 7, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, छोटी छोटी हिंट सब में देता हूँ और समझाता हूँ, 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर सेम, अंडर रूट में 1 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर इन टू डी एक्स, बात वही है, सिस्टम वही है, पर देखते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि वही एक्स स्क्वायर पीछे है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह का करने का। 1 को रहने दो, माइनस कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस इन टू डी एक्स। जब कभी भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड आए, 4x तक तो हमें याद था, 3x वाला आए तो लास्ट टर्म ढूंढने का इक्वेशन हमें पता है क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू इक्वेशन है मिडल टर्म का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, तो मिडल टर्म का स्क्वायर, तो -3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म, तो मल्टीप्लाई में डॉट ही करते हैं, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, तो आंसर इज 9/4। तो क्या होगा सिचुएशन, अंडर रूट में 1 माइनस, ये आपको थोड़ा नया, ऑलरेडी हम पहले सीख चुके हैं पर फिर भी बता दूं, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9/4 ऐड किया, -9/4 निकाला इन टू डी ए, ये तो फुल टर्म बन गया, -9/4 को बाहर लाना है, खुद माइनस है और आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होके बाहर आएगा, इंटीग्रेशन तो 1 भी है और +9/4 दोनों का सम कर देने का, इधर तो माइनस है और पूरा ये फुल टर्म x-3/2 का होल स्क्वायर इन टू डी एक्स। एलसीएम लेके एक टर्म कर ही दो तो 4 एलसीएम आएगा, ओके 4 प्लस 9 क्या हो जाएगा 13, -x-3/2 का होल स्क्वायर इन टू डी एक्स, एंड दी लास्ट 13/4, तो होल स्क्वायर करना है तो √13/2 का होल स्क्वायर और -x-3/2 का होल स्क्वायर इन टू डी एक्स, किसके जैसी बात हुई, तो a² - x² जैसी, किसके जैसी, a² - x² तो क्या है a² - x² में, तो वेरिएबल बाय 2 log जो है वही का वही अंडर रूट में, प्लस कॉन्स्टेंट बाय 2 साइन इनवर्स x/a² - x² में क्या आएगा, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ से आप ये भी चीज़ होमवर्क में कर सकते हो, सब कुछ कॉपी पेस्ट है, ओनली 3 ही सम ऐसे, 3 ही इक्वेशन है जिसका बार बार यूज़ करना है, अदरवाइज कुछ नया नहीं है और कुछ नए इक्वेशन भी डालने नहीं है, ओके जितना आगे बढ़ते जाए और इजी सम आप करोगे उतना बढ़िया है। नंबर 8 में बेटा x² + 3x ओनली क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू अंडर रूट में x² + 3x इंटू डी ए, इसमें तो है ही नहीं लास्ट टर्म और यही आएगा, x² + 3x हो के -3x हो फर्क नहीं, आंसर तो 9/4 आएगा, 9/4 ऐड और 9/4 माइनस,
तो हो जाएगा आपके पास ये, बस जस्ट बीच में माइनस की जगह पे प्लस है, तो आपका एक्स प्लस 3/2 और ओनली 9/2 है, तो 3/2 का होल स्क्वायर, और बात हो जाएगी आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर जैसी। ओके, ये सीधा होमवर्क में हो जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म ही मिसिंग है और आप ढूंढ के कर सकते हो। नंबर 9, जो सेम है, क्वेश्चन लिख के समझाता जाता हूँ तो पता चलता जाए क्या है। नंबर 9 में क्या वेराइटी है देखते हैं। कुछ नहीं, वो भी वही 1 + x² / 9, बिल्कुल ईजी 1 + x² / 9। थोड़ा नज़रिया बदलना पड़ेगा, x² / 9 है तो पहले 9 निकालने की कोशिश करो, दैट मीन्स 9 LCM ले लो, तो 9 + x² सही है अभी। चलो 9 अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, 1/3, तो इंटीग्रेशन बचा क्या, x² + 9 × dx, क्या बचा x² + 9। इसमें लास्ट टर्म नहीं मिसिंग है, फर्स्ट मिडल टर्म, इस पर मिडल टर्म की हमें कहाँ रिक्वायरमेंट है, हम तो सीधा ऐसे लिख दो, डायरेक्ट इक्वेशन रेडी है तो क्यों झिझकना, 9 है तो 3 का स्क्वायर x² × a² सीधा होमवर्क में बन गया ना इक्वेशन, x² + a² 1/3 है, वो तो बाहर ही है, उसका कोई टेंशन है ना। सम खत्म, अभी 2 MCQ है, 10 और 11, और 2 MCQ खत्म होने के बाद एक नई पैटर्न आती है जिसके 3 सम है, वो भी इजी है, तो 10 और 11 देख लेते हैं। तो व्हाट इज इक्वेशन एग्जांपल नंबर 10, MCQ भी इजी है, क्वेश्चन इज दैट 1 + x², बिल्कुल इजी 1 + x², चलो बीच में प्लस है, 1 आगे रखो या एक्स रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, x² + 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो x² + a² बिल्कुल सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, सीधा इक्वेशन है x² + a² का, और आंसर भी आपको मिल जाएगा। नंबर 11, सेम समय तो आपको दे रहा हूँ अच्छे से करने के लिए, और आप कर भी सकोगे। तो नंबर 11 क्वेश्चन इज दैट x² - 8x + 7 x² - 8x + 7 × dx, इसमें लास्ट टर्म वाली मेथड, पर इससे इजी ये वाली x² - 8x + 7, कुछ प्लस करो और कुछ माइनस करो, सीधा हो जाएगा, तो ये भी आप होमवर्क में अप्लाई कर सकते हो। बोलो कितना सिंपल था। नंबर 6 से स्टार्ट किया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6 सम हमने कर दिए, और 6 के 6 सम बिल्कुल इजी, अच्छे से हो जाए ऐसे, और बिल्कुल टेंशन भी नहीं है, कंप्लीट। ओके, नई मेथड करवाने जा रहा हूँ बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ, नंबर 12 से नई मेथड है, बिल्कुल इजी है, वैसे नई मेथड में भी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगा, पर पैटर्न थोड़ी अलग है। आपको दिया हुआ है नंबर 12 में एक्स ब्रैकेट में x + x², इसीलिए नहीं है, अंडर रूट तक तो ठीक था, x + x² हमारे पास अब तक था, पर ब्रैकेट के बाहर जो एक्स है उसका कोई निचोड़ नहीं था, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो उसको थोड़ा अलग से हमने एक्स को लिखा, नहीं कंप्लीट। जब ऐसा आए अंडर रूट के बाहर में, तो हमें एक पैटर्न डिसाइड कर ली है, ये एक्स के बराबर, ऑलरेडी हमने पहले भी एक बार देखी थी आपको पता हो तो एक्स इज इक्वल टू ऐसा इक्वेशन है, ए फिक्स, d/dx किसका, तो बाजू वाले का, अंडर रूट नहीं देखना है, ओनली d/dx एंड प्लस बीस, सेम कॉपी हमने आगे भी देखा था, उसमें न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर था, तो न्यूमेरेटर में जो कांस्टेंट और इस तरह के सीक्वेंस है उसमें करते थे, एक्सरसाइज मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं 7.4 थी या 5 थी, पर था कुछ उसके अंदर, और सेम मेथड ही थी, बिल्कुल चेंजेस नहीं था। ओके, चलो एक्सप्लेन करके ए भी ढूंढो, एक्स के बराबर फ्यूचर में हम ऐसा लिखेंगे। ओके, तो क्या बनेगा बेटा, तो एक्स इज इक्वल टू ए, इसका डेरिवेशन एक्स का 1 और x² का 2x, 1 + 2x एंड देन आफ्टर बी, चलो नाउ एक्स ए को मल्टीप्लाई करो तो ए, यहाँ पे 2ax + b, चलो ये भी x वाला और ये भी x वाला, कंपेरिजन करो तो x नहीं लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट 1 होता है और सामने x का 2a, तो इसका मीनिंग a इज इक्वल टू 1/2 आया। बात करें आगे की, तो a प्लस बी सामने कुछ नहीं है, कांस्टेंट a प्लस बी सामने कुछ नहीं है तो 0, चलो a की जगह पे 1/2 ला तो 1/2 + b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू -1/2, a मिला b मिला, चलो a और b दोनों हो गए, दोनों मिलने के बाद हम आगे बढ़े, a और b दोनों की वैल्यू निकल जाने के बाद, तो वो वापस रख दो तो हमारा पर्टिकुलर
एक्स का आंसर आपको मिले। और सीधा क्वेश्चन में रखते हैं, बार बार क्यों एक ही चीज़ को अप्लाई करने का। एक्स की जगह पे ऐसा है ए, ए क्या है 1/2, ब्रैकेट में उसका डेरिवेशन ऑलरेडी जो हमने किया हो वही लिखो 1 + 2x, और प्लस बी है उसकी जगह पे -1/2। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ओनली एक्स की वैल्यू, चलो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर तो अंडर रूट में है ही, बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी अलग से हमारा एक इक्वेशन के फॉर्मेट में किया जो नई मेथड है, तीनों के तीनों सम में यही चीज़ करनी है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना स्टार्ट करो आगे, तो इंटीग्रेशन देखो, ये पहले के साथ भी आएगा और दूसरे के साथ भी आएगा। पहले के साथ आए तो 1/2 है, 1 + 2x है, और ये आ गया x + x2, चलो पहले का डेरिवेशन, माइनस दूसरे के साथ आए तो 1/2 है और x + x2 है (dx). कंप्लीट। चलो पहले का इंटीग्रेशन की बात करें तो 1/2 बाहर, ये 1 + 2x है, ये अंडर रूट में है x + x2, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x + x2 की पावर में 1/2 (dx). क्यों? क्योंकि फंक्शन का डेरिवेशन बाजू में पड़ा है, तो रूल से पावर एक बढ़ेगी और बढ़ी हुई पावर नीचे, तो इसका तो बेटर तरीके से हो जाएगा, जो आगे भी ऐसा ही होता था। दूसरे की बात है तो -1/2 बाहर ले लो, और ये इंटीग्रेशन में है, x² पहले लिखो x, तो उसमें लास्ट टर्म की कमी है। किसकी कमी है? लास्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म है, मिडिल टर्म है, तो बोलो लास्ट टर्म क्या आएगा। ऐसा हो तो थोड़ी स्पेस लेके अलग से ढूंढ लेते हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। लास्ट टर्म का इक्वेशन आप जानते हो, मिडिल टर्म का स्क्वेयर तो x² नीचे 4 × फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म दैट मीन्स x², बोलो x² कैंसिल, तो आंसर इज 1/4। तो क्या हुआ, +1/4 ऐड करोगे, -1/4 निकालोगे। इसकी तो मैटर क्लियर हो गई, फंक्शन का डेरिवेशन बाजू में पड़ा है, तो पावर एक बढ़ेगी, तो x + x² की पावर 1/2 में एक बढ़ी तो 3/2, और नीचे भी 3/2, ये -1/2, इसका इंटीग्रेशन भी कंप्लीट, x + 1/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर (dx). चलो यहाँ पे तो (2, 2) कैंसिल, तो बचा 1/3 x + x² के पावर में 3/2, और ये आप होमवर्क में कर सकते हो, वही मेथड x² - a² का इक्वेशन, आप जानते हो वही तीन इक्वेशन थे, उसमें आधा सम उसका और आधा डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, जो डायरेक्टली सॉल्व हो गया था उसका मैंने लिखवा दिया। कंप्लीट, बिल्कुल क्लियर। ये 1/2 रख के पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर देंगे ऊपर, फिर 1/2 सबको दे देने का, उसी हिसाब से मतलब कि ये भी सॉल्व हो जाएगा। ये जस्ट लास्ट टर्म ढूंढने के लिए था बेटा, मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि अभी उसकी कोई ज़रूरत है नहीं। बोलो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, एग्जाम्पल नंबर 12 बिल्कुल ईजी नहीं है, टफ नहीं है सॉरी, ईजीली अपने आप हो जाए ऐसा है, थोड़ा जस्ट फोकस मूव कर दे, तो बाकी दो समझ खत्म ही कर देने हैं और बात क्लियर कर देने हैं। ओके, दो सम बाकी हैं, नंबर 12 एंड नंबर नंबर 13 एंड नंबर 14। तो व्हाट अबाउट नंबर 13? वो तो बिल्कुल इजी है, सीधा क्वेश्चन ही लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे सम कर चुके हैं, अभी नंबर 12 लिख गया। x + 1 अंडर रूट में 2x² + 3, x + 1 अंडर रूट में 2x² + 3 (dx). बिल्कुल इजी, x + 1 के लिए काम स्टार्ट करो x की जगह पे, तो फर्क इतना पड़ेगा कि जो x का कोएफिशिएंट कंपैरिजन में आया था 1, उसी तरह यहाँ पे मतलब 1 है, और कांस्टेंट का भी 1 है, x + 1, तो कांस्टेंट क्या है 1 है, तो कांस्टेंट का भी हमको मिलेगा। फिर वही ब्रैकेट तोड़ो, फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन, पहला स्टेप तो वही होगा, दूसरे स्टेप में कोई ना कोई इक्वेशन लगेगा, x² something something something, x² + a² हो, x² - a² हो, या a² - x² हो, a² - x² की तो कोई गुंजाइश है। चलो लास्ट टर्म सेम उसी के जैसा है, फिर भी हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नंबर 14 में है i = इंटीग्रेशन x + 3 अंडर रूट में 3 - 4x - x². देखो x + 3 है, 1 की जगह पे 3, और अंडर रूट में 3 - 4x - x² उल्टा है 4x - x², चलो थोड़ा आगे बढ़े।
तो सबसे पहले किसको पकड़ो, x प्लस थ्री को। रूल्स क्या है, a डी बाई डी एक्स किसका, तो 3 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस बी। चलो डेरिवेशन करो तो 3 का 0 माइनस फोर माइनस टू एक्स प्लस बी, ब्रैकेट तोड़ ही दो तो माइनस फोर ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी। चलो तो 2ax वाला माइनस 2ax अलग से, यहाँ पे b माइनस फोर ए बी प्लस है तो उसको किसके बराबर बात है, x प्लस थ्री के बराबर। तो x का कोएफिशिएंट क्या, 1, सामने क्या है माइनस 2a, तो बात तय हो गई a इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टू। फिर b माइनस फोर ए इज इक्वल टू 3, डालो वैल्यू, b तो ढूंढना है, माइनस फोर ए क्या है माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू थ्री, टू ज़ा टू फोर, माइनस माइनस प्लस टू सामने जाएगा तो माइनस, तो बी क्या हो गया वन हो गया। सबकी वैल्यू डाल दो तो आई क्या बना, एक्स प्लस थ्री की जगह पे मेरे को ये लिखना है, ए की जगह पे है माइनस वन बाई टू, डेरिवेशन ऑलरेडी था माइनस फोर माइनस टू एक्स, और बी की जगह पे वन, ये ब्रैकेट क्लोज, और बाजू में पड़ा है उसको थोड़ा सजाते जाता हूँ, थ्री फिर माइनस कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर भी प्लस, प्लस फोर एक्स भी प्लस, इंटू डी एक्स, काफ़ी दिनों के बाद वही वापस आया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, वो पीछा ही नहीं छोड़ता। चलो दोनों को मिलेगा अपना अपना हिस्सा, पहले का और दूसरे के मतलब के सेपरेशन के हिसाब से, हमने पहले ब्रैकेट में ही तोड़ दिया, वरना ना तोड़ते तो सही रहता क्योंकि पहले को तो वैसे ही नॉर्मल देना था। चलो ये रफ कर दो, जो है वही का वही लिखो, एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा, 3 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस वन बाई टू बाहर, इंटीग्रेशन माइनस फोर माइनस टू एक्स है, और इधर 3 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, पहला ख़त्म। दूसरा, अभी दूसरे में क्या हो जाएगा, ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसके साथ, वन के साथ, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट में, अभी इसी के साथ कर सकते हो, ये थ्री है ना, तो थ्री फिर माइनस कॉमन लेके एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, क्यों, क्योंकि इसको अकेले को रखना है, ये इसके साथ फंक्शन के साथ डेरिवेशन में सेट होता है, इसीलिए उसमें कर सकते नहीं है। ओके चलो अब अप्लाई करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, तो हमारा काम भी मतलब क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। पहला, अब आप समझ सकते हो डायरेक्ट ही है, फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन पड़ा है, पावर एक बढ़ेगी, इसकी वन बाई टू पावर होती है, पावर एक बढ़ेगी तो थ्री बाय टू, क्या पावर हो जाएगी, थ्री बाय टू, अप्लाई करो सीधा, माइनस वन बाई टू अभी किया ऐसा, फंक्शन कौन है ये, थ्री माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वन बाई टू पावर में एक बढ़ी तो थ्री बाई टू, सेम थिंग नीचे थ्री बाई टू, चलो टू टू कैंसिल। आगे की बात करें, माइनस इंटीग्रेशन है और अंडर रूट में 3 माइनस, लास्ट टर्म को बैलेंस करना है तो एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स से लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, प्लस फोर एंड माइनस फोर इन टू डी एक्स, कम्प्लीट। चलो थोड़ा आगे, ये तो बात ही खत्म हो गई, माइनस वन बाई थ्री बाहर ले लो, 3 माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, ओके, या तो उसको शॉर्ट में इतना लिख दो तो भी मतलब कि चलेगा, पे चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ऊपर थ्री बाई टू ही है, इधर इंटीग्रेशन अंडर रूट में, ये माइनस माइनस प्लस इधर गया तो फोर प्लस से थ्री सेवन, उसका अंडर रूट करना हो तो रूट सेवन का स्क्वेयर, और इसका करना हो तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। चलो फिर यहाँ से होमवर्क में, ये तो बात ही खत्म हो गई है, इसका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसी बात है, किसकी जैसी बात है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में क्या होगा, वेरिएबल बाय टू, वही साइन इनवर्स वाला इक्वेशन नंबर थ्री, थ्री के फॉर्मेट में मतलब कि अप्लाई करेंगे। बोलो है बिल्कुल ईजी, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी क्या हो गई बेटा, खत्म, बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल ईजीली ख़त्म हो जाए ऐसा है। थोड़ा मूवमेंट कर देता हूँ, शायद आपको पूरा ब्लैक बोर्ड दिखे, यस, चलो दिख रहा है सभी क्वेश्चन, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, तो आपको अच्छे से मतलब कि फोकस हो जाए। ओके आज के लिए इतना, इसी के साथ बेटा एक्सरसाइज 7.7 खत्म, कल नई एक्सरसाइज नई मेथड के साथ 7.8 पे जाएंगे।
ठीक है। चलो आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।